हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद इन। तो आज मैं लेके आई हूँ गणेश जी की रीडिंग आपके लिए। यस फ्रेंड्स, गणेश जी वांट्स टू गिव यू सम गाइडेंस ऑन व्हाट ऑल चेंजेस आर गोइंग टू कम इन योर लाइफ इन द कमिंग डेज। तो आइए वो जानते हैं और देर नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड्स, द फर्स्ट कार्ड फ्रॉम गणेश जी इज स्पिरिचुअल क्वेस्ट। सो फ्रेंड्स, दिस इज द कार्ड वी गॉट लास्ट वीक। तो इट मीन्स कि अभी जो करंटली सिचुएशन है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं अपने इम्प्रूवमेंट के लिए। सो ओवरऑल आई थिंक यू हैड अ गुड टाइम। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं आगे क्या होने वाला है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड इज कैपेसिटी टू लव। ओके, सो गणेश जी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपको बहुत प्यार मिलने वाला है और आप बहुत प्यार करने भी वाले हैं। सो फ्रेंड्स, दैट कुड बी अ चेंज दैट अगर अभी थोड़ा सा आपका प्यार के एरिया में ड्राई रहा है तो आने वाले दिनों में आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, कॉलीग्स, उन सबके साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो आप इम्प्रूव करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट कार्ड इज ये, इट्स अ ग्रेट कार्ड, अचीवमेंट्स। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं करियर वाइज, अपनी स्टडीज के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, तो फ्रेंड्स यू आर गोइंग टू मेक अचीवमेंट्स इन दैट एरिया। गणेश जी आपको ब्लेस करेंगे उन चीज़ों के रिजल्ट्स से। तो यू आर गोइंग टू गेट सम रिजल्ट्स इन योर करियर, इन योर रिलेशनशिप्स, इन योर एग्जाम्स। So be watchful of that and do let me know in the comments if you get some good results. Okay friends, the next card is concentration. So yes friends, this card is linked to the achievements card. It means that you have been concentrating on your work, maybe on your relationship, on your spiritual journey. So because of this concentration you are going to make those achievements, and Ganesh ji is saying that you need to continue with that level of concentration and dedication. Aapko wo focus, wo concentration banaye rakhna hai, right? And then you are going to achieve those great results. Okay friends, aaiye Ganesh ji se mangte hain ki aapko aage kya karne ki zarurat hai. तो फ्रेंड्स, द कार्ड इज गाइडेंस। तो हमने जो गणेश जी से मांगा उन्होंने वही बताया। वो कह रहे हैं कि इस सब में आपको भगवान से गाइडेंस जरूर मांगते रहना है, लेते रहना है। यू नो, कीप आस्किंग द यूनिवर्स, कीप आस्किंग द डिवाइन टू शो यू द वे टू व्हाट यू वांट टू अचीव, टू गाइड यू व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। एंड दिस कुड ऑल्सो मीन दैट यू नो सीकिंग गाइडेंस from your mentors, from your seniors, from your parents, from the people who know more in what you are trying to achieve. Friends, कई बार हमसे छोटों को भी कई चीज़ों में हमसे ज़्यादा आता है। तो गणेश जी कह रहे हैं कि जैसे वो खुद यहाँ पे एक यू नो शिव जी पार्वती के बच्चे हैं, फिर भी वो भगवान का रूप है, उनमें बहुत ज्ञान है, ज्ञान के भंडार हैं। तो उसी तरह गणेश जी कहते हैं चाहे कोई बच्चा ही ना हो या कोई आपसे छोटा ही ना हो आदे में, बट अगर उसको आपसे ज़्यादा पता है, आप उससे कुछ गेन कर सकते हैं, तो आप उनसे ज़रूर गाइडेंस मांगिए, उनसे हेल्प लीजिए। दिस विल हेल्प यू इन मेकिंग द अचीवमेंट्स, दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन इंक्रीजिंग द लव, द बॉन्डिंग विद दोज पीपल। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर स्पिरिचुअल क्वेस्ट। आइए फ्रेंड्स, हम थोड़ा चांस से भी गाइडेंस ले लेते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी डिवाइन फैमिली के लिए क्या आने वाला है। सो फ्रेंड्स, हमें मिला है अ हैंड। इट मींस कि द डिवाइन हैंड इज ऑन यू। आप जो भी करने वाले हैं तो आपको डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग है। तो फ्रेंड्स, दीज चेंजेस अब you know what you have been working for, those achievements what are coming your way, जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे थे, चाहे वो आपके रिलेशनशिप के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, आपके वर्क के लिए हो, वो आपको रिजल्ट मिल रहे हैं और डिवाइन आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट चार्म इज अ बोन। बोन कुड मीन दैट प्रॉबली
यू नीड टू पे अ लिटल फोकस ऑन योर स्केलेटल हेल्थ. आपको अगर थोड़ा सनलाइट में जाना चाहिए, अपनी बोन की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है. इट कुड ऑल्सो मीन कि अगर आपको कुछ अचीव करने के लिए किसी से कोई हेल्प चाहिए तो उनको उनका बोन दीजिए, राइट. उनको कुछ ऐसी चीज़ दीजिए जिससे कि वो इंकरेज हो आपकी हेल्प करने के लिए. ओके फ्रेंड्स, द नेक्स्ट वन इज़ द एंजल. सो दिस मीन्स कि जैसे हमें पहले ही आया हैंड, दैट मीन्स द एंजल्स आर ऑल अराउंड अस. दे आर ऑलवेज वॉचिंग अस, trying to help us, but you have to ask for the help. They cannot do anything on their own. You need to ask for their help, for their guidance. Okay, friends, the next one is owl. So this could be related कि जो आपकी achievements हैं, right? तो आप रात रात भर जाग रहे हैं वो concentration करने के लिए, उस achievements के लिए. This owl could signify that. It could also mean that some big changes are coming, some great knowledge is coming to you, right? So friends, I hope this guidance was helpful. So if you like the video, do press the like button. If you're new to my channel, do subscribe to my channel. DM me for any kind of personal reading, tarot card. जो aim है, purpose यही होता है कि वो अपनी divine family को, अपनी life को थोड़े से better way में lead करने में help करें, guide करें, ताकि हम confused ना रहें, हमें direction मिले कि हम आगे जो कर रहे हैं वो हम ठीक steps ले रहे हैं. So friends, have a beautiful, beautiful life, wonderful, wonderful day, and a blissful, blissful life. Bye-bye.